Tiny Tales with Priyanka. Hi, मैं हूँ किट्टू. पता है आज मैंने किसे देखा? माँ, पता है वहाँ मैंने ना एक छोटे से डकलिंग को देखा. वहाँ कहाँ? वहाँ घर के पास जो तालाब है ना वहाँ पे. माँ, क्या आप मुझे आज एक डक की कहानी सुनाओगी? सुनाओ ना माँ, प्लीज. ठीक है, आ जाओ, बैठो यहाँ. तो एक तालाब किनारे रहता था एक बतख का परिवार. बत्तू, बत्तू के पापा और बत्तू की मम्मी. बत्तू की मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे. बत्तू सबका बहुत प्यारा और दुलारा हुआ करता था. एक दिन तालाब में नहाने जाने के समय बत्तू ने देखा एक राजहंस का परिवार भी आया हुआ है. राजहंस का मतलब? ओ, हाँ, याद आया, स्वान होता है ना माँ? हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा. तो बत्तू ने देखा राजहंस का परिवार भी तालाब में आया है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है सोनू से. सोनू एक बहुत प्यारी राजहंस थी. सोनू को ठीक से तैरना नहीं आता था. सोनू के मम्मी पापा के साथ साथ बत्तू भी उसकी मदद कर रहा था. इतने में एक शातिर बदमाश चील यानी ईगल उड़ते हुए तालाब के पास आकर एक पेड़ की टहनी पर बैठा था. ओली बापले, मम्मी फिर क्या हुआ? फिर वो चील दूर बैठा सोनू को देख रहा था. सोनू और बत्तू एक साथ तालाब में खेल रहे थे. इतने में वो चील आकर सोनू को उठाकर लेकर चला जाता है. मुझे छोड़ दो, मम्मी पापा बचाओ! क्वैक 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 क्वैक, सोनू मैं आ रहा हूँ. क्वैक क्वैक, मम्मी पापा सोनू को चील उठाकर ले गया. सोनू घबराओ मत, हम सब आ रहे हैं. तुम कितना भी चिल्ला लो सोनू, इस चील से तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता. मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं. उसको बचाओ, उस चील को रोको कोई. क्वैक क्वैक, मेरी सोनू. मेरी बेटी को कोई बचाओ. अंकल आंटी, मुझे पता है वो चील किस पेड़ पर रहता है. क्या सच? तो भी चलो साथ. इतने में बत्तू की मुलाकात होती है मधुमक्खियों से. सबको परेशान देख एक मधुमक्खी बत्तू से पूछती है, अरे बत्तू, क्या हुआ है तुम सबको? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो तुम लोग? हनी, सोनू को वो चील उठा कर ले गया है, उसे वो मार डालेगा. हम सब उसे बचाने जा रहे हैं. क्या तुम प्लीज हमारी मदद करोगी? चिंता मत करो बत्तू, मैं अभी सबको बताती हूँ. सोनू कैसी होगी? बेचारी मेरी प्यारी सी, फूल सी, नाजुक सी बच्ची. चिंता मत करो, हम सब मिलके उसको वापस लेके आएंगे. हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिकर मत करो अंकल आंटी. बत्तू, हम सब तुम्हारी मदद करने आ गए हैं. क्या करना है जल्दी से बोलो. चील के घोंसले के ऊपर कुछ मधुमक्खियाँ मंडरा कर पहले ये देखो कि सोनू सेफ है या नहीं. उसके बाद बाकी कोई मधुमक्खियों की झुंड जाकर सीधा चील पर अटैक करेंगी. ओके. सोनू की मम्मी के साथ बत्तू उड़ कर घोंसले तक जाएगा और सोनू को वापस ले आएगा. ओके, ऑल द बेस्ट. सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था. सारे मधुमक्खियों ने चील पर हमला बोल दिया. किसकी इतनी हिम्मत, मेरे घोंसले में आके हमला बोल दिया? हट जाओ यहाँ से. इतने में बत्तू सोनू की मम्मी की मदद से सोनू को लेकर आ जाता है. मम्मी, पापा, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मेरी बेटी. हाँ, मैं ठीक हूँ. मैं बहुत डर गई थी, वो चील मुझे खाने ही वाला था. सोनू बेटा, बत्तू और उसके दोस्त सारी मधुमक्खियों ने मिलकर आज तुम्हें बचाया. थैंक यू बत्तू, थैंक यू हनी एंड फ्रेंड्स. सोनू, तुम्हारा साथ ये बत्तू कभी नहीं छोड़ेगा, ये प्रॉमिस है. पिंकी प्रॉमिस. क्वैक 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 क्वैक. तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा
दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर समझदारी और यूनिटी के साथ उसे भी हराया जा सकता है। ऐसी और भी कहानी जानने के लिए आपके नन्हे रॉकस्टार्स को सुननी पड़ेगी टाइनी टेल्स मेरे यानी प्रियंका के साथ, सिर्फ friendsdigital.com पर।